सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। जैसे कि आप जानते हैं, विंटर सीजन अप्रोच कर रहा है। ये सीज़न ना आता है जो ट्रांजिशन ऑफ द सीज़न है, या फिर विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा एलर्जीज, खांसी, जुकाम, या आपने देखा होगा इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको ये इंसिडेंट सुनाई देते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताऊंगी जिसको आपको ज़रूर ज़रूर अवॉइड करना है, ताकि आप इस सीज़न में ये सब चीज़ों से, एलर्जीज़ हो गया, कोल्ड कफ हो गया, या हार्ट की होने वाली दिक्कतों से अपने आप को बचा सकें। तो सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है वो है ठंडी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडाज या ठंडे जूसेस। जितनी भी ठंडी चीज़ें होती है ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया या जूसेस हो गए, ये ना बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं, और हमारी बॉडी में ना एलर्जी हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा एकदम गला ख़राब हुआ, उससे खांसी ज़ुकाम हो गया, तो ये खांसी ज़ुकाम की टेंडेंसी को बढ़ा देती है। गले में ज़रा सा इन्फेक्शन होता है आपको, और उससे कफ एंड कोल्ड डेवलप हो जाता है। तो ठंडी चीज़ें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, इनको आपको ज़रूर अवॉइड करना है। दूसरा, ठंडा दूध, जैसे मिल्क शेक्स आते हैं, कोई भी फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं, कई बार आजकल बॉटल्स में मिल्क आने लगे हैं जो बहुत चिल्ड होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, या आइसक्रीम हो गई, ये चीज़ें आपको सर्दी के सीज़न में अवॉइड करनी है। ये फिर वही हमको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम करते हैं। ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेने से ना हमारे हार्ट में भी प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे हार्ट की जो नसें हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, फ्राइड चीज़ें या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, जितनी भी फ्राइड चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती हैं, हार्ट अटैक का रीज़न भी बन सकती हैं। सर्दियों में खास करके ज़्यादा तला भुना अगर आप खाना खाते हैं ना, तो हार्ट में जो नसें हैं उनमें क्लॉग हो सकता है, वो सिकुड़ सकती हैं। तो कोशिश कीजिए विंटर के सीज़न में ज़्यादा फ्राइड, तला भुना हुआ खाना ना खाएं। फोर्थ आता है, जितना भी बटर मिल्क है, कई बार लोग ना बटर मिल्क के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिसको हम छाछ भी बोलते हैं। छाछ गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर सर्दियों में नहीं लेना चाहिए। इससे कई बार थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठंड लग जाती है, छाती जकड़ जाती है, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स वेरी कॉमन। तो बटर मिल्क को सर्दियों के सीज़न में ज़रूर अवॉइड करें, खास करके जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना गर्मियों से सर्दी, इस सीज़न में ज़रूर आपको अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन आता है। अगर आप एक आधी बार पियेंगे, एक बार दो बार पी लिया, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कॉफ़ी पीने के आदी हैं, या आपको सर्दियों में कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें हाई कैफीन के कारण आपको नुकसान दे सकती है, हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक आधी बार दिन में पिए, उससे ज़्यादा ना पिए। ज़्यादा कैफीन लेने से आपको रात को नींद भी नहीं आती है, तो ट्राई टू लिमिट योर कॉफ़ी ऑल्सो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्रोज़न चीज़ें हैं, कई बार हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ निकाली और खा ली। तो सर्दियों में आपको नियम बनाना चाहिए, कुछ भी खाना है उसे पहले, थोड़ी देर पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, या फिर उसको गर्म करके खाएं, आप उसे माइक्रोवेव करके खाएं, या जैसे भी आपको उसे गर्म करके खाना है। डायरेक्टली फ्रिज से निकाली हुई चीज़ें नहीं खानी है, ये भी एक रीज़न है कि हार्ट अटैक्स आ जाते हैं सर्दियों में, या बहुत जल्दी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ट्राई टू अवॉइड दीज चीज़ें। कौन कौन सी हैं, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, कोल्ड मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गई, कॉफ़ी हो गई, या फ्राइड एंड स्पाइसी चीज़ें। आप क्या ले सकते हैं विंटर्स में, विंटर में आपको ना हॉट बिवरेजेस, गर्म गर्म चीज़ें, लाइक दूध लें गरम, जिसमें हल्दी डाल के ले सकते हैं, थोड़ा सा हनी डाल लीजिए, या सूप पी सकते हैं गरम गरम, या बहुत टाइप की हर्बल टी आती है, ये सब चीज़ें ना सर्दियों में ज़रूर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को थोड़ा वर्म मिलता है, थोड़ी गर्मी मिलती है, आप बेटर फील करेंगे। तो ट्राई टू टेक द हॉट थिंग्स, हॉट बीवरेज, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सो दैट यू विल स्टे प्रोटेक्टेड इन विंटर। और हो सके तो रात को सोने से पहले एक कप गर्म पानी या गर्म दूध ज़रूर पी के सोएं, ताकि आपका जो थ्रोट है सोने से पहले वो क्लीन हो जाए, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।